इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में शनिवार को विद्युत विभाग के आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। विद्युत विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन में कर्मचारियों ने मांग की है कि जितने भी आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारी हैं, उन्हें नियमित किया जाए। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि कई वर्षों से हमें आश्वासन दिया जा रहा है, बावजूद उसके अभी तक हमें नियमित नहीं किया गया है। ज्ञापन में हमने सरकार से मांग की है कि हम सभी कर्मचारियों को नियमित किया जाए, और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। सभी कर्मचारी एकत्रित होकर पीथमपुर विद्युत विभाग के मुख्य ऑफिस पर ज्ञापन देने पहुंचे थे। वरिष्ठ अधिकारी सहायक मंत्री संजीव कुमार का कहना है कि मुझे कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन में नियमित करने की मांग की गई है। इनका मसला शासन स्तर का है, लेकिन उन्होंने सभी कर्मचारियों से अनुरोध किया है कि पब्लिक सेक्टर का मामला है, इसलिए काम जारी रखें और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखकर काम भी करें। आपको बता दें कि आउटसोर्सिंग संविदा सभी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन संभाग स्तर पर हड़ताल जारी है। अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर इसी प्रकार बैठे रहेंगे। इंडियन टीवी न्यूज से संवाददाता अमजद पटेल की रिपोर्ट। क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, कई वर्षों से आउटसोर्स कर्मचारी वो संविदा कर्मचारी एमपीबी का कार्य कर रहे हैं और कई बार शासन प्रशासन सरकार को आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन और सरकार हम लोगों को भी ध्यान दे नहीं रहे हैं। लेकिन संगठन के आदेश अनुसार हम लोग आज जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जो कि कोई भी कर्मचारी कार्य नहीं करेगा। आगे से ऐसे आदेश निकला हमारे संगठन के कि कार्य नहीं करना है, कि कई बार हम लोग आवेदन दे चुके हैं कि हम लोगों को नियमित करें, संविदा कर्मचारियों को नियमित करें, लेकिन सरकार अनसुनी कर रही है हमारी बातों को। हम लोगों को एक उम्मीद भी थी एक समय तक कि वाउचर पे साइन होती थी, है ना, कई टिकट लगते थे, एक उम्मीद रहती थी कि हम लोगों को कहीं ना कहीं कुछ होगा, लेकिन सरकार हम पे कोई ध्यान नहीं। अभी कितना मिल रहा है आपको पैसा? अभी हम लोगों को 9,000 मिल रहा है आउटसोर्सिंग को, और संविदा वालों को 20,000 का मिल रहा है। 20,000 मिल रहा है तो कुछ भी नहीं कट रहा है। अच्छा, तो आगे क्या करेंगे और आगे कार्रवाई? अगर सरकार सुन लेती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुनती है तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है ये जारी रहेगी। जब तक सुनेगी नहीं, आखिरी निर्णय नहीं आएगा जब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। क्या पीथमपुर में ही है कि ये संभाग में करा? पूरे संभाग में चल रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। राहुल हिवरे, पीथमपुर डीसी से हूँ मैं। ये आउटसोर्सिंग और जो संविदा के कर्मचारियों ने हड़ताल की है अनिश्चितकालीन, इनकी कुछ मांगे हैं, क्या इनकी मांगों पे विचार विमर्श चल रहा है? सारी मांगे शासन स्तर की हैं, तो अपने स्तर से विचार विमर्श का कोई सवाल नहीं है इसमें। शासन पे इनके प्रतिनिधि बातचीत कर रहे हैं और जो भी निष्कर्ष निकलेगा शासन स्तर से निकलेगा। जी, तो इनने अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण जनता भी काफ़ी प्रभावित हो रही है, बिजली प्रदाय को लेकर कई कंपनियां, उद्योग क्षेत्र है, इससे दिक्कत नहीं होगी? इसको कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे? तो होगी, मेरा आप उनसे क्या है, एक तो पहले कोई ऑफिशियल सूचना अपने तक अभी तक आई नहीं है। अभी देखने का आपके सामने मिला कि ये अभी ज्ञापन लेकर आए हैं, लेकिन इससे पहले कोई पूर्व सूचना अपने को, कोई लिखित सूचना इनके द्वारा मिली नहीं है। लेकिन हमसे अभी भी हम इनसे अपील यही करेंगे कि जो कि अपन एक अति आवश्यक सर्विस से जुड़े हुए हैं, पब्लिक से रिलेटेड है और बिजली औद्योगिक क्षेत्र है, तो इसमें बिजली का प्रवाह सही रहे, इसलिए हम इनसे अपील यही करेंगे कि व्यवस्था ना बिगड़े, बाकी अपना इनका जो भी अधिकार है उसके लिए अपने स्तर से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, जो भी करना है अपने स्तर से करें। इनके प्रतिनिधि ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं, उन पे करें, लेकिन व्यवस्था ना बिगड़े ऐसा मेरा अपील है। नाम बता दीजिए सर। संजीत कुमार, सहायक केंद्रीय पुलिस। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।